नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 पर। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। कमीशन खोरी की भेंट चढ़ते विकास कार्य, सचिव व ठेकेदार की मिलीभगत से सरकारी पैसे का हो रहा है जमकर बंदरबांट। आपको बता दें, चित्रकूट जिले में ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर जहां सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर ठेकेदारों और सचिवों की मिली भगत से सरकारी पैसे का जमकर बंदरबांट किया जा रहा है। वहीं नाम न छापने की शर्त में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायतों में सचिव की मनमानी देखते ही बनती है। जहां विकास कार्यों में मानक विहीन कार्य कराए जाते हैं, वहीं सरकारी पैसों का जमकर बंदरबांट भी किया जाता है। जिले के सभी ब्लॉकों में मनमानी खूब देखने को मिल रही है, जिसमें ठेकेदारों व सचिव की मिली भगत के चलते ग्राम पंचायतों में मानक विहीन कार्य कराए जा रहे हैं व जमकर कमीशन खोरी भी की जा रही है। सभी विकासखंड के ग्राम पंचायतों में सचिव द्वारा ठेकेदार की मिली भगत से सरकारी पैसे का जमकर बंदरबांट किया जा रहा है। कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में मरम्मतीकरण में घोर धांधली सामने आई है। वहीं शौचालय निर्माण व इंटरलॉकिंग खरंजा निर्माण में मानक विहीन कार्य कराए गए हैं। ग्राम पंचायतों में जहाँ कायाकल्प योजना के तहत कराए गए कार्यों का आज तक काम पूरा नहीं हो पाया है, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायतों में जो काम हुए हैं उनको भी मानक विहीन कराया गया है। ग्राम पंचायतों में बनी सीसी रोड, इंटरलॉकिंग खड़ंजा निर्माण व नाला निर्माण में घोर धांधली की गई है, जिसमें मानक को दरकिनार करते हुए कार्य कराया गया है। ग्राम पंचायतों में नाले का निर्माण इस प्रकार कराया गया कि पहली बारिश में ही हकीकत सामने आ जाएगी, जो आने वाले कुछ ही समय में टूट सकती है। वह इंटरलॉकिंग खड़ंजा निर्माण का कार्य बिना मानक पूरा किए ही कर दिया जाता है। वही तकनीकी सहायकों की मिली भगत से सचिव द्वारा मनरेगा के कार्यों में खूब लिपापोती की जाती है, जहां पर बिना कार्य कराए हुए फर्जी जॉब कार्ड भर कर पैसा भी निकाल लिया जाता है। ग्राम पंचायतों में बने शौचालयों में खूब लिपापोती की गई है। वहीं आप बता दें, हमारे वीडियो पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे शौचालय हैं जिनका प्रयोग कई वर्षों से नहीं किया गया है और इस प्रकार से बनाए गए हैं, न तो दरवाजा खुल सकता है, अगर दरवाजा खुला भी तो अंदर सीट का भी पता नहीं है। अगर किसी भी शौचालय में सीट है तो उन शौचालयों पर जो गोबर के कंडे होते हैं उनको भर करके कंडे रखने का घर बना दिया गया है। और बहुत सारे शौचालय पूरे जिले में, लगभग हजारों शौचालय ऐसे मिल जाएंगे जिनका आज तक कोई प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारी सब कुछ जानते हैं फिर भी मौन है। आप हमारे वीडियो पर देख सकते हैं। और आप बता दें कि कुछ शौचालय अभी भी हैं जो आज भी शौचालय अधूरे पड़े हुए हैं और उनका निर्माण कार्य नहीं पूरा हो पाया है। ग्राम पंचायत में बने किसी शौचालय में सीट नहीं बनी है तो किसी में खाली गड्ढा खोदा पड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत में जो शौचालय बने भी हैं वो भी प्रयोग में लाने लायक नहीं है। भ्रष्टाचार में लिप्त सहायक विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत व सचिव की मनमानी के चलते शौचालयों का निर्माण आज तक पूरा नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि पिछले कई वर्षों से तैनात सचिवों का तबादला एवं अन्य विकास खंड में नहीं किया जाता है, जिसके चलते ये ग्राम पंचायतें मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार करने में कामयाब हो जाते हैं। जबकि राजकीय नियमावली के अनुसार किसी भी कर्मचारी की तैनाती 3 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, विकासखंड में नहीं हो सकती है, लेकिन लगभग 10-10 वर्षों से ब्लॉकों में तैनात सचिवों का स्थानांतरण दूसरी जगह नहीं हो पा रहा है, इसके चलते और भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी पंचायत की मिली भगत के चलते ये सचिव पैसे का लेन देन करके अपना स्थानांतरण रुकवा भी लेते हैं, जिसके चलते ये मनमाने तरीके का कार्य कराते हुए सरकारी पैसे का जमकर बंदरबांट करते हैं। सबसे बड़ी बात सोचने वाली है कि सरकारी पैसे का बंदरबांट करने वाले व ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में अपनी मनमानी करने वाले सचिवों का स्थानांतरण कब अन्य ब्लॉक पर हो पाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिला प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त सचिवों की मनमानी पर रोक लगा पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 टीवी से दिनेश सिंह कुशवाहा की खास कवरेज।
देखिए किस किस हालत में। देखिए किस हालत में। न्यूज 11 इंडिया टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।